So, welcome friends, my name is Sunil Talreja and you are watching Learn English with Sunil Talreja. So friends, आज का हमारा रूल है by the way. Friends, कई बार हमें ऐसे sentence बोलने पड़ते हैं कि वैसे आप करते क्या हैं, वैसे आप रहते कहाँ हैं, वैसे आपने अपना नाम क्या बताया. तो by the way का actual मतलब क्या है कि when discussion is going on and you are moving away from the topic, कि बात करते करते आपने कोई दूसरी बात कर ली, जैसे दो जनों के बीच में बात चल रही है और कोई वैसे आप रहते कहाँ हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई बात और चल रही थी और बीच में कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया, वैसे आप रहते कहाँ हो, कोई बात चल रही है, वैसे आपने नाम क्या बताया, है ना. तो वैसे के लिए आपको क्या लगाना है, बाय द वे. तो बाय द वे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, और बाकी जो है आपको सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग बनाना है. वैसे आप रहते कहाँ हो, बाय द वे, वेयर डू यू लिव, ठीक है ना. वैसे आप करते क्या हैं, बाय द वे, व्हाट डू यू डू. वैसे आपका नाम क्या है, बाय द वे, व्हाट्स योर नेम. वैसे आपने अपना नाम क्या बताया, बाय द वे, व्हाट डिड यू टेल योर नेम. जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन में ही आए, ना, सिंपल जो दूसरे सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव है, उसमें भी आ सकते हैं. जैसे वैसे मुझे वह किताब मिल गई है जो तुम ढूंढ रहे थे, वैसे मुझे वह किताब मिल गई है, बाय द वे आई हैव गॉट द बुक जो तुम ढूंढ रहे थे, विच यू वर लुकिंग फॉर या विच यू वर सर्चिंग. वैसे आपके पापा क्या करते हैं, बाय द वे व्हाट डज योर फादर डू. वैसे उसने क्या कहा था, बाय द वे व्हाट डिड ही से. अब दो सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए लिखे. पहला लिखो, वैसे तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, और दूसरा लिखो, वैसे तुम करना क्या चाहते हो. ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है. कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप करें. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.